section ke students ko good morning. Chapter 7 continue aapka chal raha hai, uska 7.1 exercise mein question number 7 ko hum solve kar rahe hain. Ek bindu P hai jo x aksh par sthit hai aur baki do bindu Q aur R hai jo P se equal distance par hai. To P bindu par jo बिंदु होगा x अक्ष पर उसका निर्देशांक पॉइंट क्या होगा आपको बताना है. x अक्ष पर x का मान तो कुछ होगा, परंतु x अक्ष पर y का मान शून्य होता है, इसलिए हमने यहां पर शून्य लिखा. और आपको x का वैल्यू ज्ञात करना है. अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन PQ इक्वल टू PR, PQ बराबर PR, अर्थात P बिंदु से दोनों दूरी बराबर है. दोनों पर वर्ग लगा दिए तो PQ का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर. आगे PQ माने ये लाइन जो है इसका दूरी लीजिए ये माइनस ये x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 ये बैठ गया. इधर देंगे x2 माइनस x1 x होगा और ये माइनस और वहां प्लस होता है माइनस इनटू माइनस करके नेक्स्ट 0 माइनस 9 स्क्वायर को तोड़िए तो यहां a माइनस b का होल स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ये 0 प्लस 5 5 ही होगा तो 5 का स्क्वायर 25 होगा. आगे a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर और माइनस 9 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 * 9 81 हो जाएगा. x स्क्वायर इधर प्लस में है उधर x स्क्वायर प्लस में दोनों को कैंसिल कर दिए. 4 भी यहां प्लस में है राइट साइड में लेफ्ट साइड में दोनों प्लस प्लस में 4 है दोनों को कैंसिल कर दिए. 4x को उधर ले गए तो माइनस 4x इधर पहले से है इसको ले गए तो ये माइनस 4x हो गया. इधर क्या होगा 81 पहले से है माइनस 25 को ले आया घट गया तो 56 हो गया. देयरफॉर x इक्वल टू ये माइनस इधर कर दिए 87 या 56 x का वैल्यू आया माइनस 7 अर्थात आपने जो बिंदु लिया p बिंदु उसमें x का वैल्यू आ गया माइनस 7 और y का 0 होता है तो इस बिंदु का निर्देशांक माइनस 7 और 0 होगा. सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे. नेक्स्ट 8 में है दो बिंदुओं की बीच की दूरी 10 इकाई है. 10 मात्रक यानी सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है. बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ है 1 है 2 और -3 x से 10 और y तो y का वैल्यू क्या होगा. सॉल्यूशन PQ बराबर 10 दूरी 10 दिया हुआ है फिर यहां स्क्वायर कर दी स्क्वायर कर दिए तो क्या होगा PQ का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर. इसको अगर आप तोड़ेंगे तो 10 10 का क्या होगा 100 होगा. 100 होने के बाद यहां इसका दूरी लीजिए PQ में ये माइनस ये x2 माइनस x1 ये माइनस ये y2 माइनस y1 और 10 का स्क्वायर 100 है. 10 में 2 गया तो 8 हुआ 8 और a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का अंतर तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा ये 8 64 y स्क्वायर 6y प्लस 9 इधर है 100. पहले y स्क्वायर मैंने लिखा फिर 6y को लिखे 64 और 9 जोड़ दिए 33 और 100 को उधर ले गए तो माइनस 100 इक्वल टू 0 रह गया. 100 में यदि 73 घट जाएगा तो माइनस 27 होगा. अब प्राइम फैक्टराइजेशन में आते हैं y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 गुणा करके 27 रहिए घटा करके 6 रहिए तो 9 * 3 होगा और 27 रहिए. ये दोनों में y कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 होगा यहां माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 होगा तो रह गया y माइनस 3 इधर और यहां रह गया y प्लस 9. यदि y माइनस 3 बराबर 0 होगा तो y का मान इधर लाएंगे तो प्लस 3 होगा. यदि y प्लस 9 बराबर 0 होगा तो y का मान माइनस 9 होगा अर्थात y का वैल्यू 3 हो सकता है या माइनस 9 हो सकता है. दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू प्रॉब्लम्स. थैंक यू. एक क्वेश्चन बच गया आपको घर में खुद इसको करना है. नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे. धन्यवाद.